डायग्नोस्टिक क्राइटीरिया फॉर परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसडर सो नाउ वी विल डिसकस अबाउट द डायग्नोस्टिक क्राइटीरिया अकॉर्डिंग टू डी एस एम फाइव कि वो कौन से सिम्टम्स हैं जब कोई बच्चा मैनिफेस्ट कर रहा होगा तो हम कहेंगे कि इसे परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसडर है तो उसके लिए डी एस एम फाइव का जो क्राइटीरिया है इन रेफरेंस टू टाइम इन रेफरेंस टू सिम्टम्स वो अब हम स्टडी करेंगे सो हेयर वी विल गो विद द क्राइटीरिया ए क्राइटेरिया ए के अंदर व्हाट दे आर सेइंग कि जो एडल्ट्स हैं उनके अंदर जो डिप्रेस्ड मूड होता है वो कमस कम अज़ कम टू ईयर का टाइम पीरियड है ठीक है जिसके अंदर वो डिप्रेस्ड मूड मोस्ट ऑफ द डे फॉर मोर डेज दैन नॉट जो है वो इंडिकेट करेंगे ठीक है और जो बच्चे हैं उनके अंदर ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये एटलीस्ट वन ईयर है यानी एक साल के अंदर जो बच्चा है वो सैड मूड ऑलमोस्ट एवरी डे जो है वो रिपोर्ट करें इसके साथ साथ दे आर ऑल्सो सही कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा है वो सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन uh, जो है उसको मैनिफेस्ट करे वो इरिटेबिलिटी जो है उसको भी मैनिफेस्ट कर सकता है बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज के परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज़ द वन ईयर फॉर द चिल्ड्रन एंड एडॉलसन जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है उसमें टाइम पीरियड जो है वो 15 डेज का होता है ठीक है उसके बाद सी बी क्राइटेरिया जो है दैट इज़ अबाउट द प्रेजेंस वाइल्ड डिप्रेस ऑफ टू और मोर ऑफ द फॉलोइंग यानी जो नीचे उन्होंने छः सिम्टम्स दी हुई हैं इसमें से एटलीस्ट दो या दो से ज़्यादा उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए नंबर वन क्या है पुअर एपीटाइट और ओवर ईटिंग यानी या बच्चा खाना खा नहीं रहा या बहुत ज़्यादा खा रहा है अगेन इसमें आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि द चाइल्ड इज़ डूइंग द डाइटिंग और माइड बी द चाइल्ड मे मैनीफेस्ट द फीचर्स ऑफ एनोरेक्सी और बुल डिसऑर्डर सो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं ईटिंग डिसडर तो डेवलप नहीं हो रहा अगर वो नहीं हो रहा या बच्चा डाइटिंग पे नहीं है इसके बाद अगर उसकी पोअर एपीडाइट है या ओवर ईटिंग है तो आप कह सकते हैं कि ये डिप्रेशन के फीचर्स को मैनीफेस्ट करें देन इंसोमिया और हाइपरसोमिया इंसोमिया और हाइपरसोमिया क्या है कि बच्चा या तो बिल्कुल सो नहीं पा रहा या उसकी नींद बहुत ज़्यादा हो गई है तो इफ़ यू आर सींग दैट द चाइल्ड इज स्टार्टिड टू ओवर स्लीपिंग तो आप ये नहीं उसको समझ सकते कि ही और शी इज हैबिचुअल ऑफ डूइंग दैट थिंग यू नीड टू बी चेक के आइदर द चाइल्ड मे एक्सपीरियंस एनी सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन दैन लो एनर्जी और फटीक लो uh, एनर्जी जब बच्चा फील करेगा तो डेफिनेटली वो फटीग्ड जल्दी फील करेगा ठीक है बिकॉज द चाइल्ड इज़ नॉट इंजॉइंग एनी थिंग बिकॉज द चाइल्ड डोंट फील एनर्जेटिक टू परफॉर्म एनी थिंग तो जब उसके अंदर एनर्जी लो होगी और अगर वो स्कूल से आएगा तो ही और शी माइट बी कम्प्लेन दैट ही इज़ टायर्ड अगर वो कोई गेम खेलने को उसको कहेंगे तो माइट बी ही और शी सेट दैट आई एम फीलिंग टायर्ड आई डोंट वॉन्ट टू टू प्ले एनी थिंग तो इस किस्म की जो कम्प्लेंस हैं वो वो रिफ्लेक्ट uh, करेगा दैन लो सेल्फ इस्टीम लो सेल्फ़ इस्टीम का मतलब ये है कि जो चाइल्ड है उसकी जो सेल्फ इस्टीम है वो हाई नहीं होगी ठीक है वो अपने आप को इनफीरियर समझेगा देन अदर्स देन पोअर कंसनट्रेशन और डिफिकल्टी मेकिंग डिसीजन काम के ऊपर जो भी वो काम करेगा उसको वो कंसनट्रेट नहीं कर सकेगा और इसकी कम्प्लेन आपको स्कूल से आना शुरू होगी ठीक है या अगर आप उसको खुद काम भी कराएंगे तो भी आपको पता चलेगा कि द चाइल्ड इज़ अनएबल टू कंसनट्रेट ऑन द टास्क इसी तरह डिफ़िकल्टी इन मेकिंग डिसीजन वो कोई भी फैसला जो है वो खुद नहीं कर सकेगा इधर उसने कौन से कपड़े पहनने हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना क्या खाना है इवन दी सॉर्ट ऑफ थिंग्स ही और शी इज़ अनएबल टू डिसाइड फॉर हिम और हर सेल्फ देन फीलिंग ऑफ होपलेसनेस होपलेसनेस की जो फीलिंग है वो बहुत इसमें सवियर uh, होती है और द चाइल्ड फील्ड के फ्यूचर में कभी भी कुछ अच्छा नहीं होगा और कुछ बेहतर नहीं हो सकता ठीक है तो इस किस्म की जो कंप्लेंट्स uh, हैं वो चाइल्ड जो है वो देगा देन उसके बाद अगर हम सी क्राइटेरिया देखें तो उसके अंदर व्हाट दे आर सेइंग के टू इयर्स या बच्चों के लिए जो वन ईयर का टाइम uh, पीरियड है उसके अंदर जो क्राइटेरिया ए है और जो क्राइटेरिया बी है वो टू मंथ से ज़्यादा एबसेंट नहीं होना चाहिए ठीक है यानी अगर हम ये कहें कि एक बच्चे को पिछले एक साल से डिप्रेशन परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई भी ऐसे टू पीरिय मंथ्स नहीं गुजरे जिसके अंदर उसको ये सिम्टम नहीं आए हुए ठीक है और ये जो सिम्टम्स हैं वो कंटिन्यूसली प्रेजेंट रहेंगे बच्चों में एक साल के लिए और एडल्ट्स में डेफिनेटली टू इयर्स के लिए उसके बाद जो क्राइटेरिया ई e है वो ये है कि उस बच्चे को कभी भी मेनिया का साइक्लोथीमिया का कोई एपिसोड ना आया हो यानी उसका मूड जो है वो एलेशन की तरफ ना गया हो ठीक है क्योंकि अगर एलेशन की तरफ जाएगा तो डेफिनेटली वो फिर बायपोलो वन या टू के अंदर हम उसे क्लासीफाई करेंगे उसको हम डिप्रेशन में क्लासीफाई नहीं करेंगे उसके बाद जब आप एफ़ क्राइटेरिया कहते हैं तो एफ़ क्राइटेरिया के मुताबिक ये है कि जो साइकोसिस है या साइकोटिक एपिसोड्स हैं जो शीज़ोफे शेजोफीनिया है या इफेक्टिव है आ ये इस किस्म का जो कोई भी डिसऑर्डर है वो रिफ्लेक्ट ना हुआ हो ठीक है उसके बाद जो भी एपिसोड है वो किसी भी सब्सटेंस के यूज़ करने से या किसी अदर मेडिकल कंडीशन जैसा हाइपो में आमतौर पर यूँ होता है कि डिप्रेशन जो है वो प्रिवेल कर रहा होता है तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो किसी और मेडिकल कंडीशन के या किसी और सब्सटेंस के यूज़ करने की वजह से नहीं आ रहे इसी तरह क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस जो है वो बच्चा रिपोर्ट करेगा उसके डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ के अंदर अब जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि टाइम ये होता है कि बच्चे को परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है वन uh, ईयर से वो सिम्टम्स रिफ्लेक्ट है और ऐसा होता है कि एकदम से उसमें एक्यूट फेस आ जाती है डिप्रेशन uh, की मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की तो अगर ऐसा होगा तो आपने दोनों जो हैं डायग्नोसिस देने हैं यानी आप उससे डबल डायग्नोस करोगे एक परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर सेकेंडली मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर